का रंगमंच पर आप सुन रहे हैं ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता। ख्यालों के हवालों से एक दास्तां सुनोगे तुम भी क्या, मुफलिस हर जज्बातों में किस रूह को छुआ है तुमने क्या। लाखों अरमान लेकर मुस्कान लेकर सीने में तूफान लेकर बढ़ता ही चला। कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझसे अब तक आपने सुना कि कैसे विदित हर्ष से मिलता है और दोनों साथ मिलकर अपना एक कैफे शुरू करने का सोचते हैं। एक सही विजन और कड़ी मेहनत के बाद शुरू हो ही जाता है ये जो कैफे, कि तभी अचानक विदित को रुचि की याद सताती है। वो उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि रुचि और हरि का ब्रेकअप हो गया है। रुचि की उदासी दूर करने के लिए विदित उसे अपने कैफे बुला लेता है। अब आगे। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? तब से गोल गोल बातें घुमा रहे थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो ये जो तुम्हारी आंखें छोटी हो गई हैं स्माइल करते वक्त, ये कैसे देख पाता? पागल, कंग्रेचुलेशंस। वैसे ये हुआ कब और कैसे? अरे वो सब छोड़ो, आओ तुम्हें अपना कैफे घुमाता हूँ। हाँ हाँ, वाई नॉट वाई नॉट। ये है अपना 15 टेबल्स का सीटिंग एरिया, यह आपका कैरियोके जोन जहाँ कोई भी कभी भी परफॉर्म कर सकता है, और ये है अपना किचन जहाँ बन रही है तुम्हारी पसंद की चाय, ज्यादा शक्कर तेज अदरक। तुम्हें याद है? सिर्फ यही नहीं, और भी बातें याद हैं, जैसे इसके साथ तुम्हें पार्ले जी पसंद है। अच्छा जी, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है पुराने विदित को ऐसे वापस देखकर। मुझे कब देखने को मिलेगी पुरानी रुचि? पता नहीं। लो जी, जिसे सब पता होता है, जो कॉलेज में दादी अम्मा बनकर घूमती थी, वो कह रही है पता नहीं। कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है रुचि। क्या करोगे जान के? मुझे जानना है तुम्हारे हर जज्बात से आज रूबरू होना है। जानते हो विदित, जब चाय मध्यम आंच में उबलती है तो उसमें शक्कर, चाय पत्ती, अदरक सब का स्वाद आता है, पर इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका स्वाद और रंगत दोनों बदल जाएंगे और बचेगी सिर्फ कड़वाहट। मेरे और हरि का रिश्ता भी ऐसा ही था। कॉलेज में वो मेरी परवाह करता था, मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखता था, तो मुझे लगा वो संभाल लेगा, पर मैं गलत थी। उस फिक्र के पीछे उसका स्वार्थ था। उसके साथ बस रिश्ता जिस्मानी था, उसे एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उसकी जरूरतें पूरी करे और उसकी हर बात में हाँ मिलाए। मेरा ओपिनियन, मेरे सपने, मेरी चाहत उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी लाइफ में मेरी वैल्यू बस एक कॉर्नर स्टैंड जितनी थी, जो पड़ा है, जिसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों है। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है, हर एक रिश्ते की शुरुआत होती है प्यार के एक महीन धागे से, जिसमें डलते हैं विश्वास, साझेदारी और समझ के मोती, जिससे बंधती है जिंदगी की डोर। पर हमारे बीच तो सिर्फ झूठ और धोखा था जो मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला। हर इंसान की लाइफ का सबसे स्पेशल दिन, उस दिन उसने मुझे आकर कहा कि मैं उसके लायक नहीं, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, मुझमें वो बात नहीं जो दिल्ली की बाकी लड़कियों में है। जिंदगी को सादगी से जीना क्या गलत है? पर शायद मैं आउटडेटेड वर्जन थी उसकी लाइफ का, जिसे उसने डिस्कार्ड कर दिया। मुझे उसके लिए खुद की जिंदगी से समझौता नहीं करना था, इसलिए जाने दिया मैंने भी। क्या हुआ अगर तुम्हें किसी और का प्यार नहीं मिला? तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए काफी है। तुम कोई चीज नहीं हो रुचि जो आउटडेटेड हो चुकी हो। तुम्हारे जैसी प्यारी साफ दिल की लड़की बड़ी मुश्किल से मिलेगी। जिसे कद्र नहीं, मान के चलो उसे अक्ल नहीं। खैर,
जिसे कद्र नहीं तो मुझे भी कोई फिक्र नहीं। बहुत लेट हो गया है विदित, अब मुझे चलना चाहिए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मैं मिलती हूँ तुमसे जल्दी। इंतजार में तुम्हारे कटेंगे दिन रैन मेरे, तुम हो तो है सुकून और चैन मेरे। और सुनो, हजारों की भीड़ में भी तलाशेंगे सिर्फ तुम्हें ही ये नैन मेरे। बहुत अच्छा लिखने लगे हो तुम। बस कभी कभी। खैर जल्दी आना। मैं शुरू से ही रुचि को पसंद करता था, बस कभी उसका ख्याल वो दिल में ही नहीं ला पाया था। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब रुचि का कांस्टेंट ख्याल शामिल हो चुका था, जिस प्यार को जाहिर करने का मेरा मन सालों से था। और अपने दिल की बात कहने में मैंने जरा भी टाइम नहीं लिया। उस दिन मैंने रुचि को कैफे बुलाया। अरे विदित, डेकोरेशन तो आज बड़ी कमाल है, और ये रोजेस, बलून्स और बुकेट, किसी को प्रपोज करने वाले हो क्या? यस। ओह माय गॉड, कौन है वो लकी गर्ल? तुम। क्या? कई मौके मिले थे मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहने के, पर मैंने हर वो मुमकिन मौका हाथ से गवा दिया। पर मुझे इस बात का गम नहीं है, देर आए पर दुरुस्त आए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, सालों इंतजार किया है, तुमसे और दूर रहना अब नागवार है मुझे। पूरी शिद्दत और हिम्मत के साथ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच रुचि। मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी रुचि में है। आई एम सॉरी विदित, मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहती। तुम बहुत अच्छे हो, पर ये लव एंड ऑल अब मेरे बस के बाहर है। आई एम रियली सॉरी, पर अभी मुझे जाना है। रुचि मुड़ी और बिना पलटे भागते हुए कैफे के बाहर निकल गई। क्या गलत किया मैंने? क्या कुछ जल्दबाजी कर दी थी कहने में? पूरा कैफे भरा था, लोगों की निगाहें मुझे देख रही थी, और मुझे मेरा जाता हुआ प्यार दिख रहा था। दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, एक कमरा वीरा हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे तड़का रंगमंच पर। ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता।